नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की एक और नई वीडियो, जो कि है सभापुर से आगे की। इससे पिछली वीडियो में हम इससे पीछे का दिखा चुके हैं। आप देख रहे हैं पहले के मुताबिक यहां काफ़ी काम हो चुका है। आज सीमेंट की वॉल सीमेंट लगा करके यहां काम किया जा रहा है। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। देखते हैं क्या बन रहा है। आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ का भी लगभग रोड तैयार हो चुका है और इस तरफ का तैयार हो रहा है। क्रेन लगी हुई है। आप देख रहे हो नीचे की तरफ सीमेंट के सेगमेंट रखे हुए हैं और जहाँ ये नीली टीन शेड दिख रही है यहाँ पे स्विमिंग पूल हुआ का है बच्चों का। बच्चे यहाँ बहुत मौज मस्ती करते हैं और यहाँ के ज़मीनों के रेट बढ़ने शुरू हो गए जब से ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ है। सीगल इंडिया लिमिटेड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरफ अभी कोई पहले के मुताबिक कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। हाँ, इससे आगे जहाँ अंडरपास बन रहा था उस तरफ का ये लेवल लगभग तैयार है। जड़ो, मैंने कहा था ना कि अगर धूल नहीं उड़ती तो कीचड़ हो जाती है, दिक्कत बनी रहती है। इस रोड का उद्घाटन दो बार हो चुका है। एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून से और दूसरा दिल्ली से श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। इस समय देख सकते हैं आप इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। 90% 10% काम रह रहा है। चलिए आपको दोस्तों दिखाते हैं दूसरी तरफ से। अगर है रास्ता तो ये राम पारक को रास्ता चला जाता है। ये एक्सप्रेसवे की लाइन के ऊपर हम आ गए हैं दोस्तों।
आप देख रहे हैं ये कितना चौड़ा होने वाला है एक्सप्रेसवे। देख सकते हैं आप कितनी दूर तक का काम चालू है। बीच में डिवाइडर बनना है दोस्तों। और ये देखिए इस तरफ से काम पूरा होता हुआ। और ये रोड रोलर आ रहा है और रोड रोलर के आने से पहले हमें साइड हो जाना पड़ेगा। अभी इस रोड पर कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल मिट्टी बहुत है और सहारनपुर से आने वाले लोग इस रोड को अवॉइड करें तो ही बढ़िया रहेगा। सर्विस लाइन पर जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी कि लोग अपने वाहन भी इसी रोड पर खड़ी करेंगे। ये देखिए छत पर सीमेंट आया हुआ है। एक दो तीन चार सात 14 सीमेंट एक बार में। चलते हैं 709B की तरफ, देखते हैं वहाँ पे कितना काम हो चुका है। पहले के मुताबिक यहाँ कोई खास काम नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए इस तरफ रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है। खंभे के पास तक किया जाएगा। ये जो बिजली की लाइन दिख रही है इसी के आसपास तक किया जाएगा। पानी उधर भी डाला गया है। देख सकते हैं आप रोड के दूसरी तरफ देख सकते हैं
अभी पिलर लगभग तैयार हैं, केवल इन पर पिलर कैप का काम होना है और ये लास्ट पिलर रह गया है दोस्तों। जो कि केवल सरियाओं का ढांचा ही खड़ा है और इससे एक पिलर ये ऑन रोड पे आ गया है और ये बाकी के पिलर, एक कुछ ही पिलर रह गए हैं जो तैयार ही नहीं है। लगभग सारे पिलर बनकर तैयार हैं। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जो लोग हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।